दोस्तों आज से 3 वीक पहले मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि भारत यूरोपियन कंट्री के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर सकता है, लेकिन इस EFTA की डील काफी समय से रुकी हुई थी क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत वो लोग भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। दिस इज द वेरी ह्यूज अमाउंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इतिहास में इतना बड़ा अमाउंट एक बार में किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, लेकिन इतना सारा पैसा भारत में एक बार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये लोग भारत से एक इन्फॉर्मेशन चाहते थे, जिसकी वजह से ये डील रुकी हुई थी, जिस पर मैंने इस वाले वीडियो में खुल करके बताया था कि ये कौन सी खुफिया इन्फॉर्मेशन की मांग कर रहे थे। लेकिन अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये जो FTA है, ये जो $100 बिलियन भारत आने वाला था, इसे अप्रूवल मिल गया है और भारत ने इस EFTA पर साइन कर लिया है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि $100 बिलियन का फायदा भारतीय आम लोगों को कैसे होगा, EFTA के अंदर कौन कौन से कंट्री शामिल है और वो भारत के अंदर अपना $100 बिलियन क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडिया अफेयर्स। नाउ अपने स्क्रीन पर आप भारत के ई कॉमर्स मिनिस्टर की ये ट्वीट देख सकते हैं, ए वाटर शेड मूवमेंट। वाटर शेड मूवमेंट का मतलब होता है ये पूरे इतिहास को बदल करके रख देगा, मतलब ऐसा इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि किसी देश में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर ये लोग भारत में अपना इतना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। तो गाइस इसका एक ही रीजन है। पहली बात तो ये कि भारत दुनिया का सबसे ग्रोइंग कंट्री है, दूसरा ये भारत पॉपुलेशन के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर आ चुका है। तो ये लोग भारत में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करना चाहते हैं ताकि ये अपने चीजों को भारत में आसानी से बेच सके। तो भारत ने बोला कि आपको इंडियन मार्केट में अपना सामान बेचना है, अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो आपको भारत में इन्वेस्टमेंट करना होगा। हम आपके प्रोडक्ट को फ्री में अपने मार्केट में चलने थोड़ी देंगे, इसके लिए आपको भारत में इन्वेस्टमेंट करना होगा। और इसी चीज को लेकर के ये लोग $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसी तरह भी कई कंट्री आएंगे, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, रशिया हो, और भी कई कंट्री हैं, जो भी आएंगे उनसे भारत यही कहेगा कि आप भारत में 100, 200, 300 बिलियन इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद हम आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बिकने देंगे। और आने वाले समय में इंडियन मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनने वाला है। पीयूष गोयल की आप ये छोटी सी क्लिप सुनिए। It's for the first time in the history of the world that we are inking an free trade agreement with a binding commitment to invest $100 billion in India. From the EFTA countries, on the back of the solid foundation that has been laid in India, with strong macroeconomic fundamentals. इन्होंने क्लियर कहा कि पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि किसी देश ने इतना बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया हो। गाइस अगर EFTA कंट्री की बात करें तो इसमें टोटल 4 कंट्री हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड के बगल में है लिश्टेनस्टाइन। इनका खुद का एक ग्रुप है EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, और भारत ने इन्हीं के साथ डील किया है EFTA पर, ताकि ये लोग बिना किसी टैरिफ के भारत में आकर के अपने प्रोडक्ट को बेच पाए, कि ये लोग आसानी से अपने चीजों को इंडियन मार्केट में बेच पाएंगे। भारत को क्या फायदा होगा? भारत को $100 बिलियन मिलेगा आने वाले 15 सालों में, यानी कि करीबन $6 बिलियन हर साल आएगा। अब बात करते हैं इससे भारत के आम लोगों को क्या फायदा होगा। भारत में विदेशों से कई चीजें आती हैं, जिस पर इंपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ लगने के कारण इसका कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाता था, लेकिन इस EFTA के बाद इन पर बहुत ही कम टैरिफ होगा और ये आसानी से अपने चीजों को यहाँ पर बेच पाएंगे, जैसे कि वॉचेस, चॉकलेट, बिस्कुट, हर चीज कम से कम दामों में इंडियन मार्केट में बिकेगा। भारत में स्विट्जरलैंड से काफी चीजें आती है जिसका इंडियन मार्केट में अच्छा पकड़ है। भारत में मान लीजिए ₹100 का कोई सामान आ रहा है, सरकार उस पर ₹200 का टैरिफ लगा रही है या ₹100 का टैरिफ लगा रही है, तो उस ₹100 के प्रोडक्ट का दाम सीधे 200-300 हो गया, लेकिन इस EFTA की वजह से इस टैरिफ को कम से कम कर दिया जाएगा ताकि वो लोग इंडियन मार्केट में अपनी चीजों को आसानी से बेच पाएंगे। इसके अलावा जो चीज भारत से जाता है वो लोग भी उस पर कम टैक्स लेंगे, जिससे हमारे इंडियन लोग भी अपने चीजों को उन कंट्रियों में अपने सामान को आसानी से बेच पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्विट्जरलैंड से हम लोग सबसे ज्यादा गोल्ड मंगवाते हैं, मशीनरी इक्विपमेंट हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, कुकिंग हो गया, स्टीम कोयल हो गया, इन सारी चीजों को हम स्विट्जरलैंड जैसे देशों से मंगवाते हैं। गाइस भारत में भी बहुत सारी कंपनियां एस्टेब्लिश हो रही है और आने वाले समय में भारत अपने चीजों को कई देशों में एक्सपोर्ट भी करेगा, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से हमारे इंडियन बिजनेसमैन, जो भी इंडियन एक्सपोर्टर हैं, वो आसानी से इन चीजों को उन देशों में बेच पाएंगे। जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होगा वो आसानी से उन देशों में बिकेगा, इस एग्रीमेंट का यही फायदा होगा। इसके अलावा इन देशों से जो $100 बिलियन को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा भारत में, तो उससे बहुत सारी कंपनियां एस्टेब्लिश होगी, जिससे भारत में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इन देशों ने $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट करके भारत के मार्केट का जो प्राइस है
वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया। अब अगर कोई भी देश भारत में आना चाहेगा तो भारत सरकार उससे $100 बिलियन से ज्यादा की मांग करेगी, क्योंकि $100 बिलियन हमें ऑलरेडी मिल गया है। अब अगर उनको इंडियन मार्केट में एक्सेस चाहिए, जैसे कि रशिया हो गया, चाइना हो गया, कई यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस है, लंदन है, जापान है, इंडियन मार्केट में एक्सेस मांगेंगे, तो इसके लिए जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होगा तो उनसे भी हम कहेंगे कि भारत में अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको भारत में $100-200 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना होगा, और इस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्योंकि ये EFTA जो साइन हुआ है ये सिर्फ इन्हीं 4 देशों के साथ हुआ है, बाकी उधर यूरोपियन कंट्री बाकी है, रशिया के साथ अभी बातचीत चल ही रही है, USA के साथ भी बातचीत चल रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन नहीं हुआ है अभी। गाइस, अब तक भारत में क्या होता था कि चाइना सिर्फ अपने चीजों को भारत में बेचता था और भारत सरकार को कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं देता था, इसलिए भारत सरकार ने चाइनीज चीजों पर पहले बैन लगाना शुरू किया, उसके बाद दुनिया वालों को कहा अगर आपको भारत में अपने चीजों को बेचना है तो आपको भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा, और इसका असर तुरंत देखने को मिल गया। EFTA के जरिए $100 बिलियन भारत में आ रहा है। उसी तरह हम चाइना पर अगर पूरी तरह से बैन लगा देंगे, चाहे उनका फोन हो, लैपटॉप हो, और उनको बोलेंगे भारत में आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी हम आपके चीजों को अपने मार्केट में चलने देंगे। इसके अलावा आप भारत में बने हुए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को भी अपने मार्केट में इम्पोर्ट कीजिए, दोनों ओर से ट्रेड होना चाहिए, तभी तो ट्रेड डिफिसिट कम होगा। आई होप गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि भारत सरकार किस प्लान के तहत काम कर रही है। हमको भी उन देशों में फ्री एक्सेस मिल गया, लेकिन हमने उनको फ्री एक्सेस देने के लिए उनसे $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ले लिया। ये है देश को विकास करने का तरीका। फ्री एक्सेस भी मिल गया दोनों कंट्री को, और इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट भी हो गया। वैसे गाइस, आप इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या इसे देख करके और भी कंट्री भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करना चाहेंगे? आप क्या सोचते हैं गाइस इस चीज के बारे में, कमेंट करें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।